नमस्कार दोस्तों, रेडटेक्स से आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के सामने आकाश नाम के लड़के की भेजी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी, जो कि मध्य प्रदेश में एक छोटे से गाँव में बीती हुई एक घटना की सच्ची कहानी है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। हाँ, एक्चुअली जो आकाश नाम का लड़का है उसके साथ ये जो घटना थी वो नहीं घटी थी। अच्छा। उसकी एक दोस्त थी जो ये लोग दोनों दिल्ली में एक कोई बहुत बड़े कंपनी में साथ में जॉब करते थे। okay. तो जो लड़की थी उससे इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन उसने मना किया है कि उसका नाम वीडियो मत लेना, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं। ऐसी रैंडम लड़की बोलते हैं उसको। तो उस लड़की से दोस्ती होती है आकाश की, और जो वो लड़की बताती ना जो स्टोरी उसके साथ जो घटना घटी थी, तो आकाश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो घटना थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल की नहीं थी। जैसे कि हम लोग इतने सारे भूतिया कहानी बताते हैं, इसके साथ ये हो गया, भूत ने पटक दिया, तो भूत ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन आज की स्टोरी में कोई ऐसा भूत रैंडम नहीं है जो किसी की बॉडी में घुस गया है और उसको हार्म कर रहा है या किसी को परेशान कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा अलग सी खौफनाक घटना है। एक्चुअली जो लड़की थी उसके साथ जब घटना घटी थी वो बहुत छोटी थी, आई थिंक 5-6 साल की सिर्फ उसकी उम्र थी। वो MP के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव बहुत छोटा था, तो वहाँ पे गांव में एक छोटा सा स्कूल भी था जहाँ पे सब बच्चे पढ़ने के लिए जाते, जैसे गाँव में गवर्नमेंट स्कूल होता है वैसा ही था। तो और उसे जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पे वो भी जाती थी, उसके कज़न भी जाते थे, उसके गांव के बहुत बच्चे जाते थे। लेकिन जो उसका स्कूल था उसके जस्ट पीछे ही एक कब्रिस्तान भी था, उस स्कूल के पीछे। तो सब बच्चे थोड़ा सा डरते थे स्कूल जाने से, और गांव में क्या है कि थोड़ा लोग डरते हैं ज़्यादा भूत पे से, क्योंकि घटनाएँ वहाँ पर ज़्यादा घटती हैं गाँव में कंपेयर टू शहर। गाँव में घटनाएँ घटती हैं ज़्यादा, इसीलिए। तो एक दिन क्या होता है, वो स्कूल से आ रही थी, और स्कूल से आते आते दिन का ही टाइम होगा, दोपहर का टाइम होगा, उसको रस्ते में दो गुड़िया दिखाई देती हैं गिरी हुई, रस्ते में पड़ी हुई। तो वो भूतिया गुड़िया का खेल है सारा। तो सुनो, अभी आगे बहुत अलग है। तो वो दोनों गुड़िया को उठा लेती है और साथ में लेके चले जाती है, बहुत खुश जाती है, अरे गुड़िया मिल गई मुझे। और बच्चे तो खुश होते हैं गुड़िया को देख के। बचपन में मैं भी ऐसा था, बचपन में गुड्डा गुड़िया मिल जाए रास्ते में, हां मजा आता था। कि मतलब ऐसा बच्चों के दिमाग में नहीं आता है इसमें कोई भूतिया होगा या कुछ ऐसा चीज हो सकती है। उसको लगा कि ठीक है, गुड़िया मिल गई है, मेरी लाइफ सेट हो गई, खरीदवाना भी नहीं पड़ेगा घर वालों से। और थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली से थे वो लोग, तो इतना सब कुछ सब बच्चों के लिए सब अफोर्ड करना, इतनी सारी चीजें खरीदना बहुत मुश्किल होता था, बार बार गुड़िया अलग अलग चीजें खरीदना। नहीं, चीजें खरीदना मुश्किल होता है वो बात अलग है। हाँ। लेकिन जब हम छोटे होते हैं और हमें रास्ते में कुछ मिलता है ना, हाँ। तो उसकी बात एक अलग ही होती है, उसका मजा एक अलग होता है। उसकी बात क्योंकि फ्री का है ना, अपन इंडियन, अपने फ्री का माल मजा आता लेने में। तो इसीलिए तो वो लेके घर पे जाती है, और उस गुड़िया से जो दोनों गुड़िया थी उस चीज को ना एक अलग से अटैचमेंट हो जाती है, उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगती है। दिन भर जब भी स्कूल से आती थी तो खेलने लगती थी उसके साथ, साथ में सुलाती भी थी गुड़िया लोग अपने। अच्छा। लेकिन जो ये कर रही थी हरकतें वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी। एक्चुअली होता क्या है, जब गुड़िया को लाए हुए उसके घर पे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, वो दोनों गुड़िया थी अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दी। उसको बहुत ही ज़्यादा गंदे गंदे सपने आने लगे, जैसा कि ये जो दोनों गुड़िया हैं वो मेरा बाल उखाड़ रही हैं, मुझे नोच रही हैं, मुझे आके गले में फेस में काट रही हैं। ऐसे ऐसे भयानक सपने उसको आने स्टार्ट हो गए रोज रोज। वो अपने छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की, वो इतना दिमाग उसका नहीं चलेगा कि इतने सारी चीज़ें वो सोच सोच के सब कुछ एक इमेजिनेशन कर ले। वो तो अपने घर वालों को बताती है कि मुझे रोज ऐसे सपने आ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो घर वाले इतना विश्वास नहीं करते, बोलते बच्चों का क्या है, बच्चे ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, उनका इतना थोड़ी लेके चलेंगे। लेकिन जो इसके साथ ये घटनाएं घट रही थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई और घटनाएं। एक दिन क्या होता है कि वो सो रही थी रात में, रात के 2:30 बजे करीब वो जो दोनों गुड़िया थी ना उसको दिखाई देती हैं कि उसके बेड से उतर के बाहर रूम में जा रही हैं, बाहर वाले रूम में, उसके बेडरूम से, उसके रूम से निकल के। उसका बेडरूम अलग था और बाकी लोगों का अलग था। और ये हवा में मत समझना इसको, एनाबेल भी ऐसी ही थी कुछ। एनाबेल भी मतलब क्या क्या नहीं की उसने, और ये रियल स्टोरी है, कितने सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। फिर वही तो, और गुड़िया पे तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी करते थे, सोचो गुड़िया ऐसी होती है। तो वहां से निकल के बाहर जा रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बहुत। तो वहां से बाहर जाते थे उसको ऐसा दिखाई दे, उस दिन बहुत ज्यादा डर गई, पूरा पसीना पसीना हो गई, पूरा ब्लैंकेट के अंदर अपना फेस कर ली,
और कैसे भी खुद को भगवान का नाम लेके बचाने की कोशिश करने लगी। उस दिन उसको समझ में आ गया कि नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे घर वालों से सीरियसली इस मैटर पे बात करना पड़ेगा, ये टॉपिक पे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सुबह सुबह घर वालों को बोलती है, फिर से घर वाले इग्नोर कर देते हैं कि गुड़िया कैसे चल सकती है, ये सब तो ऐसी ही बातें हैं, ऐसा कैसे मान लें हम कि गुड़िया चल रही थी, रूम से बाहर ऐसी चीजें हो रही थी। लेकिन जो दूसरी रात इसकी लाइफ में आने वाली थी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक रात थी, क्योंकि वो रात अमावस्या की रात भी थी। उस दिन जब ये सो रही थी ना, तो रात के 3:15 बजे करीब उसकी आंख खुलती है और उसको दिखाई देता है कि दोनों गुड़िया उसकी यहाँ पे चेस्ट पे बैठी हुई है और उसको इतनी जोर जोर से चाटे मार रही है कि पूरा उसका गाल लगा, गाल से अभी ब्लड निकल जाएगा, इतने जोर से चाटे मार रही थी। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, लाउडली चिल्लाने लगती है। जब घर वाले भाग के आते हैं उसके रूम में, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, जब देखते हैं वो लोग तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी पूरी गाल वाल सब रेड पड़ चुकी थी, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और जो गुड़िया थी वो अपनी जगह पे पड़ी हुई दिखाई देती है घर वालों को। वो उसकी यहाँ बैठी थी लेकिन वहां से निकल के घर वालों के आने से पहले अपनी जगह पे चली गई, क्योंकि अब उसने अपने पास सुलाना बंद कर दी, वैसे टेबल पर रख दी थी कहीं पर भी। तो घर वाले को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये एक चीज दिमाग में हो गया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उन लोगों ने सोचे कि हम एक काम करते हैं, 1-2 दिन और देखते हैं, ऐसा कुछ रहा तो हम कहीं किसी को दिखाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन जो 1-2 दिन सोचने वाला इनका जो इनकी थिंकिंग थी वो बहुत गलत थी, क्योंकि जो आने वाली रात थी वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक रात थी इनके लिए। वो सो रही थी लड़की अपने रूम में, अचानक से आधी रात में अचानक से उसको कोई उठा उठा के सब फेंक रहा है, पूरा दीवार में उसके पूरा सिर टकरा रहा है, उसके बाल खुद से ऐसे ऐसा लग रहा कोई नोच रहा है, उसके बॉडी पे स्क्रैच मार, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं दे रही है क्या चीज मार रही है ऐसी चीजें। वो पूरा इधर से उधर पूरा सामान बिखर रहा है उसको, जो गिर रही है दीवार में टकरा रही है, टेबल में टकरा रही है, उसकी आवाज की वजह से घर वाले भाग के आते हैं रूम में, देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि हमारी लड़की हवा में अपने आप उछल रही है। इस बार जो हुआ ये तो बहुत डरावना, समझ में आ गया उनको कि नहीं ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है। भगवान का नाम लेते हैं, फटाफट हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते थोड़े टाइम में 5-10 मिनट लग जाता है उस लड़की को नॉर्मल होने में। इतनी ज्यादा खौफनाक उसकी हालत हो गई थी वो टाइम पे। ये लोग बोलते हैं अब हमको वेट नहीं करना है, हमको सुबह सुबह ही जाना है कहीं पे, पता करके इसको दिखाना है। तो एक बहुत ही मतलब सिद्ध पुरुष थे, पंडित जी थे एक, उनके पास सुबह सुबह लेके जाते हैं उसको और दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसको, कि ऐसे ऐसे गुड़िया लाई उसके पास, ये सब तकलीफ चालू हो गई है। तो पंडित जी बताते हैं कि जो गुड़िया इसके पास है वो बिल्कुल भी नॉर्मल गुड़िया नहीं है, वो जो गुड़िया है उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक किया गया है और उस गुड़िया के अंदर 2 इंसान की आत्मा को रखा गया है, 2 इंसान की आत्मा उन दोनों गुड़िया के अंदर, और वो किसी बहुत ही बड़ी डायन ने किया है, क्योंकि बहुत सारी डायने होती है ना जो कि आत्माएं निकाल के भूत प्रेतों को वो करते समन करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं निकाल के रख देती हैं, वैसा ही गुड़िया के साथ भी हुआ था ऐसा गांवों में बहुत ज्यादा। हाँ, और इसीलिए उसका मकसद यही था उस डायन का रोड पे गुड़िया को फेंकने का कि किसी ना किसी के हाथ में आए और जो हमारा मकसद है वो पूरा हो। तो वो पंडित जी बहुत झाड़फूक करते हैं और उसको ना एक ताबीज पहनाते और बोलते जो गुड़िया तुम्हारे घर पे रखी है उसको दूर 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक के आओ, और फेंकने के बाद पीछे मुड़ के मत देखना, और कुछ लॉन्ग और कुछ अलग टाइप की चीज देते जो बोलते हैं गुड़िया के साथ भी उनको भी फेंक देना गुड़िया के साथ, और मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसी चीज में मुड़ के देखे तो वो चीज आपके फिर वापस से लग जाती, क्योंकि उनको लगता है आत्माओं को कि हमको वापस बुला रहे हैं और वो फिर से पीछे लग जाती है। तो ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो ये लोग ये करते ना इसकी वजह से मारपीट जैसी चीजें तो इसकी लाइफ में बंद हो गई, इसको चाटा वाटा पढ़ना ऐसी चीजें बंद हो गई, लेकिन उसके 1 दिन बाद से ही उसको 2 शैडो दिखाई देना चालू हो गए। जब भी रात में सो रही होती थी उसको ऐसा लगता था कि विंडो के बाहर कोई खड़ा है और ऐसे स्माइल दे रहा है, देख देख के बहुत ही क्रिपी स्माइल दे रहा है, और उन लोगों की शक्ल क्लियर समझ में नहीं आ रही वो, क्योंकि वो शेडो जैसे हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं शायद उनके पास चली भी जाऊंगी।
मतलब उसके दिमाग में ऐसा था जैसे वो मुझे बुला रहे हैं, मैं उनके पास जाने ही वाली हूँ। तो वो उसके बाद से अपने घर वालों अपने मॉम डैड के साथ सोना स्टार्ट कर दी, और मॉम डैड को लगा कि नहीं ये जो यहाँ पे हो रही है चीज़ें ये नॉर्मल तो नहीं होने वाली, हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चीज़ें नॉर्मल हो। उनके गांव में उनकी थोड़ी बहुत खेत थी, उसको वो लोग बेचते हैं और वहाँ सोचते हैं कि हम शिफ्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं उस गांव से बिल्कुल। ये लोग दिल्ली में आके शिफ्ट हो जाते हैं पूरी फैमिली, उनके जो लड़की है उसके दादा दादी वहाँ पे रहते थे, उसकी चाचा रहते थे, उनकी फैमिली रहती थी, लेकिन इनकी फैमिली अपना खेत का जो हिस्सा था बेच के और दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। जब से ये लोग दिल्ली में शिफ्ट होते हैं उसके बाद से उनके साथ ये सब घटनाएं घटनी बंद हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो आत्माएं भी होती है ना उनका एक लाइन होता है, एक बॉर्डर होता है कि आप इतने लिमिट तक ही रह सकते, आप इतने लिमिट से आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सारी चीजें डिपेंड करती है उनके ऊपर जिन्होंने जादू टोना किया है कि हम इतने लिमिट तक ही रख सकते हैं। तो इसीलिए उसकी लाइफ में ऐसी चीजें तो कभी नहीं घटी, लेकिन जब उस लड़के ने आकाश ने इस चीज सुनी थी अपने दोस्त के मुंह से, उसके रोंगटे खड़े हुए थे। क्योंकि अगर आप इमेजिन करके सुन रहे हो तो एक बार सोचो कि कितने खौफनाक मंजर होगा वो, कितना डरावना हुआ होगा यार कि आप सो रहे हो, आपके घर की कोई चीज रखी हुई है, आप देखते हो कि वो आपका गला वाला दबा रही है, आपको मार वारने की कोशिश कर रही है, तो क्या बीतेगी आप लोगों के ऊपर, जस्ट इमेजिन भाई। इसीलिए मैंने बचपन से डॉल के साथ बहुत कम खेली हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से डॉल से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि बचपन से ही सुना है कि डॉल जैसी चीज होती है उसमें आत्माएं हो जाती है या कुछ लोग कर देते हैं, बहुत सारी पुरानी फिल्में भी आती थी, एनाबेल डॉल भी थी। अरे वो एक था ना तात्या, क्या नाम था, बाबल्या, बाबल्या, हाँ, वो कौन सी मूवी थी यार वो, बाबल्या बनता है, वो मूवी का नाम तो नहीं याद, लेकिन उस मूवी ओम भट स्वाहा वाला जो था ना यार, याद आ रहा है, बाबल्या, वो डॉल या उसकी हुलिया भी याद है मेरे को, लेकिन वो मूवी का नाम याद है, बचपन में बहुत देखी है और उसकी वजह से और डर लगता था। आप लोगों को याद है कि उसका नाम बाबल्या ओम भट स्वाहा वाला जो गुड्डा था वो कौन सा था, कौन सी मूवी का था, वो मूवी मुझे देखना है, बचपन में देखा था, वाला एक्टर था उसमें, हाँ मराठी एक्टर था उसमें हीरो, और एक ऐसा कुबड़िया करके एक बोलते थे उसको, वो विलन बना था, ये मूवी देखना है मुझे, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। इसीलिए आप लोग भी डॉल है तो थोड़ा सोच समझ के संभल के रहना, और ऐसे रैंडम कहीं से भी कोई भी डॉल और टेडी वेडी से चीजें मत उठाना भाई, रिस्क लाइफ में नहीं लेना चाहिए। ऐसे अपने वीडियो में भी हो चुका है एक बार टैडी के साथ। अरे वो बड़ा वाला हाथी ऐसा टैडी ऐसे ऐसे बैठा था और ऐसे हुआ दिखाई दिया, क्लियर ऐसे हुआ है, और ये कैसे हुआ था यार वो, बाबरे मेरे रोंगटे, और वो हमको मालूम नहीं था, हमने नोटिस भी नहीं किए थे, किसी ने बहुत दिनों बाद कमेंट करके बताया, तुम्हारे दूसरे चैनल का है वो, मुंबई वाली जिया चैनल का है वो, नहीं वो ना मुंबई वाले जिया का है वो वीडियो उसका ही था, लेकिन वापस से ना अपन ब्लडी टैग में रिएक्शन भी दिए हैं, रिएक्शन आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, दिख जाएगा, वो हमने देखे क्लियर दिखाया, हमने तो नोटिस भी नहीं किए थे, किसी ने बताया हमको वीडियो देख के कि आप इस पॉइंट में देखो उस वीडियो को, हम देखे शॉक हो गए क्योंकि वो कॉमेडी वीडियो बना रहे थे, कॉमेडी वीडियो में ऐसी चीज होना मतलब बहुत, लेकिन लिटरली टेडी ऐसा था ऐसा हो गया, लेकिन याद करो वही रूम है जहाँ पे खौफनाक चीजें हो चुकी है, इसलिए शायद हो सकता है, क्योंकि चैलेंज करना हम वहीं स्टार्ट किए थे उसी रूम में, अगर लिंक मिले तो कोशिश करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे मिलेंगे ढूंढ के डालते हैं आप देखो, अगर अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं, इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी पूरी दुनिया को इसी तरह से सुनाना चाहते तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।